स्वैग से करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। अपने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मचरेला नियोजा कवरगम। ये मूवी नितिन और स्वाति की है, रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो आपको काफी पसंद आएगी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें राजप्पा दिखाया जाता है जिसके पापा की डेथ हो गई थी। वो MLA थे। होम मिनिस्टर आता है, राजप्पा कहता है CM क्यों नहीं आए। होम मिनिस्टर कहता है उनकी जरूरी मीटिंग थी, तुम टेंशन मत लो, पार्टी तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगी, तुम्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगी। राजप्पा कहता है मुझे इलेक्शन लड़ना है। होम मिनिस्टर अपनी पार्टी से बात करता है राजप्पा को टिकट देने के लिए, लेकिन कोई भी पार्टी मेंबर नहीं मानता। और होम मिनिस्टर राजप्पा को बताता है और कहता है सब राघव भैया के पसंद के कैंडिडेट को टिकट देंगे। राजप्पा गुस्से में कहता है मैंने सुन लिया, और वो कॉइन टॉस करता है और राघव भैया अपने बेटे को कैंडिडेट बनाता है। सब खुश होते हैं और वोटिंग वाले दिन राजप्पा वोट देने वाले कुछ लोगों को मारता है और राघव भैया के बेटे को भी चाकू से सबके सामने मार देता है और सबसे कहता है आज से यहाँ कोई वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ मेरा राज होगा। और सीन बहुत साल आगे शिफ्ट होता है, निधि नाम की लड़की को कुछ लड़के छेड़ते हैं। निधि अपने दोस्त सिद्धू को बुलाती है, सिद्धू सारे लड़कों को बहुत मारता है और बहुत डांस करता है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें गुरु नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसमें बहुत ईगो था। वो घर जाता है, उसकी वाइफ कहती है आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो, ये आपका ही घर है, पड़ोसी का नहीं। गुरु की ईगो हर्ट होती है, उसकी वाइफ समझ जाती है, वो कहती है मानना पड़ेगा किसी ने आप पे कदर नहीं लगाया। गुरु खुश होता है, लेकिन गुरु का बेटा गलती से गिरता है और गुरु पे कदर लगता है। वो अपने बेटे को मारता है और कहता है लोग पिटते हुए माँ का नाम लेते हैं, तू पापा कह रहा है, तू मेरा है कि नहीं। गुरु की वाइफ कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, आप टैटू देखिए इसका। गुरु ने अपने बेटे के हाथ पे टैटू बनवा रखा था माई फादर इज माई गॉड, और गुरु ने अपनी वाइफ के हाथ पे भी टैटू बनवा रखा था माई हस्बैंड इज माई गॉड। गुरु खुश होता है, अपने बेटे से कहता है तेरे से बदबू कैसे आ रही है। उसका बेटा बताता है सिद्धू ने अंडे फोड़ दिए थे उस पे। गुरु को गुस्सा आता है, वो सिद्धू के पापा के पास जाता है और कहता है ऐसे तुमने अपने बेटे को पाला है। गुरु का बेटा वहीं था। सिद्धू के पापा कहते हैं मैंने कितनी बार कहा है ये मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा ही बेटा है। गुरु गुस्से में कहता है मैं सिद्धू की बात कर रहा हूँ। निधि आती है, गुरु कहता है ये हमेशा इधर घूमती रहती है, इसकी सिद्धू से शादी क्यों नहीं करवा देते, वैसे ही साइट्स बंद हैं, कहीं सिद्धू शादी से पहले कुछ गलत ना कर दे। सिद्धू आता है, गुरु जाता है, सिद्धू के पापा कहते हैं तुम निधि से शादी क्यों नहीं कर देते, सब तैयार हैं, उसकी फैमिली हमारी फैमिली वो तुम्हें पसंद करती है, तुम बहुत टाइम से दोस्त हो। सिद्धू कहता है वो मेरे पास दोस्त है, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो बीच पे अपनी शूलेस बांध रहा था, उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम स्वाति था। स्वाति उसका स्केच बनाती है, सिद्धू देखता है और वो स्वाति को पसंद करने लगता है। वो स्वाति को बताता है, स्वाति गुस्सा करने लगती है। सिद्धू कहता है अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम जा सकती हो, अगर नहीं करती तो एड्रेस बता दो। स्वाति गुस्से में जाने लगती है। सिद्धू कहता है मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, मैं चैलेंज देता हूँ 2 दिन में तुम्हारा एड्रेस ढूंढ लूंगा। सिद्धू खुश था, और हमें पता चलता है गुरु स्वाति का ब्रदर इन लॉ था। स्वाति एक रेंट के रूम पे रहती थी और उसने कुछ दिनों के लिए रूम रेंट पे लिया था। गुरु कहता है कोई भी तुम पे लाइन मार सकता है, इससे मेरी ईगो को ठेस पहुंचेगी, तुम्हें मेरे घर पे रहना होगा। और गुरु स्वाति को अपने घर लाता है, सिद्धू गुरु का पड़ोसी था। सिद्धू स्वाति को देख लेता है, वो गुरु के घर आता है। स्वाति कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिद्धू कहता है मेरा भी यही क्वेश्चन है। स्वाति बताती है उसके ब्रदर इन लॉ का घर है। सिद्धू कहता तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, तुम 2 दिन भी नहीं रह पाई मेरे बिना, चलो कोई नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की ईगो को भी तो मैनेज करना होगा ना। और वो नीचे जाता है, गुरु कहता है तुम मेरे घर में कैसे आए, वो भी ऊपर से। सिद्धू कहता है हम पड़ोसी हैं, क्या फर्क पड़ता है। गुरु कहता है पड़ता है, वो कॉलर पकड़ता है। सिद्धू कहता है मेरा ईगो हर्ट हो गया, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गुरु कहता है ईगो BMW की तरह है, खरीदना आसान है लेकिन मेंटेन करना मुश्किल। वो सिद्धू को भगा देता है। निधि सिद्धू को लेने आती है और वो कहती है मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। सिद्धू कहता है फिर से शादी। निधि कहती है कैजुअल मीटिंग, और सिद्धू जाता है। निधि के पापा बड़े पॉलिटिशियन थे, वो पूछते हैं कैसे हो बेटा। सिद्धू कहता है बढ़िया। निधि के पापा सिद्धू के पेरेंट्स को उनसे मिलने के लिए कहते हैं, सिद्धू मना करने वाला था लेकिन निधि हाँ करती है। और एक आदमी निधि के पापा से पूछता है ये कौन है। निधि के पापा कहते हैं मेरा होने वाला दामाद, उसने सिविल एग्जाम में टॉप किया है, ये IAS बनने वाला है, ये पोस्टिंग का इंतजार कर रहा। और फिर निधि का बताते हैं निधि एग्जाम में बस फेल हुई है, वो कुछ नहीं कर रही है सिवाय सिद्धू का पीछा करने के। निधि की माँ भी सिद्धू को ही दामाद बनाना चाहती थी। निधि कहती है सिद्धू को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो नहीं छूता, लेकिन अगर कोई चीज़ पसंद आती है वो नहीं छोड़ता, तभी मैं कोशिश कर रही हूँ। और स्वाति बुक पढ़ रही थी छत पर, सिद्धू आता है, वो स्वाति के पास आना चाहता था, वो जाता है। गुरु आता है और सिद्धू को बहुत सुनाता है, फिर उसे पता चलता है ये बस उसका सपना है। वो वापस जाने की कोशिश करता है, वो स्वाति के गले लगता है। इस बार गुरु स्वाति पे गुस्सा करता है और ये सिद्धू का बस सपना था। स्वाति कहती है अगर तुम आए तो हम दोनों का कैरेक्टर खराब होगा, तुम वहीं रहो। और गुरु की वाइफ
बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए पैसे मांग के गुरु गुस्से में कहता है, पड़ोसी को भरने के लिए कहो। वैसे भी वो वहीं पड़ा रहता है। गुरु की वाइफ स्वाति के जरिए कॉफ़ी भिजवाती है। गुरु को गुस्सा आता है, वो बहाने से अपनी वाइफ के पास जाता है और कॉफ़ी वहीं छोड़ता है और आके वापस मंगवाता है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। और गुरु अपनी वाइफ को लिपस्टिक लगाने से भी मना करता है और कहता है, लिपस्टिक सिर्फ एनिवर्सरी या बर्थडे में ही लगाना। स्वाति हैरान होती है। स्वाति सिद्धू के बारे में बताती है कि गुरु को गुस्सा आता है। वो स्वाति को टैटू बनवाने के लिए कहता है, माय ब्रदर इन लॉ इज गॉड। स्वाति मना करती है। गुरु कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। और सीन शिफ्ट होता है। कुछ रिपोर्टर राजप्पा के बारे में लिखते हैं कि उसने कलेक्टर का मर्डर कर दिया। राजप्पा ओल्ड हो गए थे। उसका बेटा वीरा उन रिपोर्टर्स को मारता है और कहता है, राजप्पा का राज कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और सीन शिफ्ट होता है। स्वाति मूर्ति के नाम के वकील से मिलना चाहती थी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। वो अपनी बहन से कहती है, उसकी बहन कहती है, गुरु का ईगो हर जगह आता है, उसकी जान पहचान नहीं होगी शायद। वो सिद्धू के पापा से मिलने के लिए कहते हैं। और स्वाति की बहन सिद्धू की माँ को बताती है, उसे मूर्ति नाम के लॉयर से मिलना है। सिद्धू सुनता है। वो निधि को फ़ोन करके मूर्ति वकील के बारे में पूछता है। निधि उसे जानती थी। सिद्धू मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है और सिद्धू निधि के पास जाता है और कहता है, मैं मूर्ति अंकल को जानता हूँ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। स्वाति की बहन कहती है, मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे। और सिद्धू अपना प्लान बताता है। और गुरु की वाइफ गुरु से कहती है, स्वाति को वकील के पास जाना है। गुरु खुश होता है और परमिशन देता है। स्वाति कहती है, मैंने सिद्धू को साथ जाने के लिए कहा, उसने मना कर दिया। उसने कहा, गुरु सामने से कहेगा तब भी नहीं जाऊंगा। गुरु की ईगो हर्ट होती है। वो सिद्धू को फोन करता है, स्वाति को ले जाने के लिए कहता है। सिद्धू मना करता है। गुरु उसके सामने ही था। सिद्धू कहता है, डायरेक्ट बात करते हैं। गुरु कहता है, डायरेक्ट बात करता तो रिक्वेस्ट लगती, फोन पर बात करा है मतलब ऑर्डर है, तुम्हें स्वाति को ले जाना ही होगा। सिद्धू कहता है, ठीक है। और सिद्धू जाता है बाइक पे। स्वाति को लेकर कुछ गुंडे स्वाति को छेड़ते हैं जीप से बाइक को टक्कर मार के। सिद्धू को गुस्सा आता है। स्वाति शांत करवाती है और लड़ाई करने से मना करती है। और स्वाति वकील से मिलती है और सिद्धू को उसकी माँ का फोन आता है। वो गुंडे वाली बात बताता है। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, अगर वो अनलक्की होंगे तो तुम्हें वापस मिलेंगे। और गुंडे जीप से एक सब्जी वाले को टक्कर मारते हैं सिद्धू के सामने। सिद्धू उन्हें बहुत मारता है। स्वाति गुंडों को पिटता देखती है। वो सिद्धू को पसंद करने लगती है। और सीन शिफ्ट होता है। गुरु की एनिवर्सरी आती है। उसका दोस्त उसे फ़ोन नहीं कर रहा था। गुरु उसे बहुत मिस कॉल मारता है। उसका दोस्त फ़ोन करता है। गुरु कहता है, क्यों फ़ोन किया, मेरी एनिवर्सरी है, मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, जल्दी बताओ। उसका दोस्त कहता है, तुमने मिस कॉल किया तब भी। वो उसे विश करता है। गुरु कहता है, ठीक है, और फ़ोन कट करता है और खुश होता है। सिद्धू गुरु के पास आता है। वो खुश था स्वाति के साथ टाइम स्पेंड करके। गुरु कहता है, मैं चीज़ें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सिद्धू कहता है, मैं क्या करूँ। गुरु कहता है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। सिद्धू कहता है, बताओ कहाँ से ऑर्डर करूँ। गुरु गुस्सा करता है। सिद्धू रिंग देता है और गुरु जी कहता है। गुरु कहता है, बढ़िया। वो बताता है उसकी एनिवर्सरी है। सिद्धू कहता है, गुरु जी आपकी एनिवर्सरी धूमधाम से सेलिब्रेट करूँगा, पार्टी करूँगा। गुरु खुश होता है और सिद्धू गुरु की वाइफ की उसके साथ वापस शादी करवाता है। और सिद्धू गुरु की सुहागरात वापस प्लान करवाता है। गुरु कहता है, काफ़ी साल हो गए। सिद्धू दवाई देता है और कहता है, इससे आपको मज़ा आ जाएगा, आप बाउंड्री पे बाउंड्री मारोगे। गुरु खुश होता है। वो थैंक यू कहता है और सिद्धू जाता है। वो स्वाति से मिलता है, उसे उसकी प्लेलिस्ट सुनाता है और कहता है, मैं डेट वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम प्लेलिस्ट सुन के मेरे कैरेक्टर का अंदाज़ा लगा सकती हो। स्वाति को गाने अजीब लगते हैं। सिद्धू बात करने की कोशिश करता है और सुबह सिद्धू जाता है। गुरु के कपड़े फटे हुए थे। गुरु गुस्से में कहता है, तुम्हारी दवाई बहुत स्ट्रांग थी। सिद्धू कहता है, सिस्टर इन लोग कहाँ हैं। गुरु कहता है, लॉबी में, तुमने मेरी रात बर्बाद कर दी, तुमने मेरे रूम का गेट लॉक कर दिया और चले गए थे और मेरा फ़ोन भी लेकर चले गए। मेरी वाइफ अंदर नहीं आ पाई और दवाई ने असर दिखाया, मैं पूरी रात पागलों की तरह तड़पता रहा। सिद्धू सॉरी कहता है, आज रात के लिए वापस दवाई लेने के लिए कहता है। गुरु डर जाता है क्योंकि पिछली रात वो बहुत तड़पा था। सिद्धू स्वाति को एक सीनियर ऑफिसर से मिलवाता है और बाद में बीच पर स्वाति कहती है, मुझे लगता है तुम प्रॉब्लम हो बस, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की। वो थैंक यू कहती है और कहती है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। और अगले दिन सिद्धू फ्लावर लेके आता है। वो स्वाति को प्रपोज करने वाला था। गुरु से मिलता है। गुरु कहता है, फ्लावर्स वापस कर दो। स्वाति काम ख़त्म करके चले गए, तुम अकेले रह गए। और वो खुशी से डांस करता है। सिद्धू गुस्से में कहता है, गुरु तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। गुरु कहता है, जी कौन बोलेगा। सिद्धू कहता है, स्वाति की वजह से झेल रहा था तुझे। गुरु हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा स्वाति कहाँ रहती है। सिद्धू को गुस्सा आता है। गुरु की वाइफ और बेटा गुरु को मारने के लिए कहते हैं। सिद्धू गुरु को बहुत मारता है और गुरु बताता है मरचला। और सीन शिफ्ट होता है। सिद्धू अपनी माँ को बताता है कि उसे स्वाति पसंद और स्वाति को लेने जा रहा है मरचला के बारे में सुनते हैं। उसकी माँ कहती है, तो हमारा ही गाँव है, वहाँ तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत है। स्वाति के पापा तुम्हारे पापा का नाम सुनते ही यहाँ कर देंगे। सिद्धू खुशी से जाता है और सिद्धू के पापा आते हैं। सिद्धू को निधि से मिलने के लिए कहते हैं। वो चाहते थे दोनों की शादी हो जाए। और सिद्धू की माँ बताती है, वो स्वाति को लाने मरचला गया है। सिद्धू के पापा डरते हैं और सीन फ्लैशबैक में जाता है। राजप्पा सिद्धू के पापा को धमकाता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। सिद्धू के पापा राजप्पा को धमकाते हैं और कहते हैं, अगर ये जॉब हटा दूँ तो मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है।
सीन प्रेजेंट में आता है। सिद्धू के पापा कहते हैं, अब मैं सच बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। और सीन पास्ट में जाता है, सिद्धू के पापा के धमकाने के बाद राजप्पा के आदमियों ने सिद्धू के पापा के ऊपर चाकू रख दिया था और सिद्धू के पापा डर के मारे यहाँ आ गए थे। और सीन प्रेजेंट में आता है, सिद्धू की माँ कहती है, छी आपने पूरा सच पहले क्यों नहीं बताया था। और निधि सिद्धू के पापा को फ़ोन करती है, सिद्धू के पापा डरते हुए बताते हैं सिद्धू स्वाति को लेने गया है और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सिद्धू की शादी निधि से करवाएंगे। निधि नहीं सुनती और सीन शिफ्ट होता है, सिद्धू जा रहा था, कुछ गुंडे स्वाति का पीछा करते हैं, उसे मार के ले जाते हैं और वीरा अपने आदमियों के जरिए स्वाति को जिंदा जलाने ही वाला था। सिद्धू आके बचाता है स्वाति, जाने के लिए कहती है, वीरा कहता है तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और सिद्धू वीरा के सारे गुंडों को मारता है और सिद्धू के पापा उदास होकर सिद्धू को बताते हैं तुम्हारा पोस्टिंग लेटर आ गया। सिद्धू गुंडों को मारते हुए पूछता है कहाँ जाना है मुझे। सिद्धू के पापा कहते हैं तुम्हारी पोस्टिंग मरचला में ही हुई है। सिद्धू खुश होता है और गुंडों को कहता है तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज से मैं तुम्हारा कलेक्टर हूँ। वीरा कहता है राजप्पा तुझे छोड़ेगा नहीं। और वीरा सिद्धू को मारता है लेकिन सिद्धू वीरा को बहुत मारता है और कहता है मैं राजप्पा को नहीं जानता लेकिन राजप्पा को कहना बीस्ट का शिकार करने शिकारी आ गया है, अब चीज़ें अलग लेवल पर जाएंगी। और बाकी की स्टोरी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।